नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सैम मुंडे। तो चलिए फ्रेंड, करते हैं आज की टेक न्यूज़ शुरू। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि अगर अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। तो चलिए, ये खबर मोबाइल की दुनिया से आ रही है। जनवरी में कौन कौन से टॉप की मोबाइल है जो कि लॉन्च हो गए हैं, इसके बारे में ये न्यूज़ है। तो सबसे पहले लिनोवो का प्रो पैड प्रो जो है 2, वो लॉन्च हो गया था जनवरी में। फेब प्रो, इसमें कीमत है उसकी लगभग 30,000 के आसपास है। और दूसरा है लावा का, इसमें आपको 16,000 रुपये, 999 रुपये में है। लावा P2 बोल के है, इसकी बैटरी है 5000 mAh की बैटरी है इसमें। और तो तीसरा फ़ोन है सैमसंग गैलेक्सी सी प्रो, जो कि वो 6 GB RAM वाला फ़ोन है। इसकी कीमत है 39,999 रुपये, इससे ज़्यादा। और उसमें दूसरा है वीवो का V+, इसमें रैम है 4 GB और इसकी कीमत लगभग 27,980 रुपये है। और ये दूसरा है रेडमी का Note 4, जिसमें आपको मिलेगा 9,999 रुपये का है। इसमें दो वेरिएंट है, एक 3 GB और दूसरा 4 GB का। और दूसरा है सैमसंग का ही गैलेक्सी J2H, इसका 4G फ़ोन है। ये सैमसंग 4G फ़ोन है, इसका 8,499 रुपये प्राइस है। ये सभी फ़ोन जनवरी में लॉन्च हो चुके हैं। जो भी आपको अच्छा लगता है आप उसे खरीद सकते हैं। ये हो गए। दूसरी न्यूज़ यहाँ से आ रही है कि जब नोटबंदी के बाद जिस अकाउंट में आपने डिपॉजिट 5 लाख से भी ज़्यादा डिपॉजिट किया है, ऐसे 18 लाख लोगों को एक SMS भेजा है, जिसमें उसमें कहा गया है कि आप उसे उसने जवाब मांगा है, आयकर विभाग ने उनको जवाब मांगा है। ये निकल के न्यूज़ आ रही है, जो कि आपको एक SMS आएगा। SMS में आपको 10 दिन के समय के अंदर वो जवाब देना है, जिसका भी 5 लाख से भी ज़्यादा ट्रांजैक्शन हो गया है उस अकाउंट में, जो कि पुराने अकाउंट है आपके, वो इसमें धनराशि जमा हो गई है। ऐसी शंका जो जो आयकर विभाग को आ गई है, उन ऐसे 18 लाख लोगों को SMS के द्वारा सूचित किया गया है। ये दूसरी न्यूज़ आ रही है व्हाट्सएप की तरफ से। व्हाट्सएप अब अपने लोकेशन, जैसे फेसबुक पर आप लोकेशन ट्रैक कर सकते हैं, उसी प्रकार से एक फीचर लाने वाला है जल्द ही, जो कि आप व्हाट्सएप पर भी आप अपना लोकेशन अपडेट कर सकते हैं। आप कहाँ है कहाँ नहीं है, ये सब कुछ इसमें लोकेशन ट्रैकर होगा, जो कि अपने फ्रेंड्स के लिए लाइव लोकेशन आपको मिलेगा या आप उसे भेज पाएंगे। इस प्रकार से मेरे ख्याल से बेटा वर्जन में टेस्ट हो रहा है, जल्द ही आपके मोबाइल पे अपडेट हो जाएगा। तो फ्रेंड, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। तो मिलते हैं अगले टेक न्यूज़ में।